पांच अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2024 में कर सकते हैं अपना डेब्यू। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है यूपी के समीर रिजवी का, जिन्हें एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ और 40 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया। अब अगर सीएसके की बात करें तो इस साल चेन्नई सुपर किंग्स को ऑक्शन से पहले एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो कि अंबाती राइडू को रिप्लेस कर सके, जिन्होंने पिछले साल रिटायरमेंट लेने का एक बड़ा फैसला किया था। और इस साल सीएसके की टीम ने भरोसा जताया युवा समीर रिजवी ने, जो हाल ही में खेली गई यूपी टी20 लीग में धमाल मचाते हुए नजर आए थे। अगर बात करें यूपी टी20 लीग की, तो समीर रिजवी ना सिर्फ उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के भी समीर रिजवी ने ही लगाए थे। इसके अलावा अगर समीर रिजवी के डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, तो वहां पर जब वो अपना पहला मुकाबला खेलने पहुंचे यूपी के लिए, तो उन्हें अपनी डेब्यू कैप मिली रिंकू सिंह से। ऐसे में सीएसके ने इस युवा खिलाड़ी में पूरा भरोसा जताया और उन्हें उम्मीद थी कि अंबाती राइडू की जगह अगर मिडिल ऑर्डर में कोई ले सकता है तो वो समीर रिजवी ही हो सकते हैं। इसके बाद जब ऑक्शन खत्म हुई तो समीर रिजवी ने इस बात का खुलासा किया कि आईपीएल ऑक्शन से पहले लगभग सभी टीम्स ने उन्हें ट्रायल्स के लिए भी बुलाया था, और इससे पता चलता है कि सीएसके का स्काउटिंग टीम कितना बेहतरीन है कि उन्होंने समीर रिजवी को अपनी टीम में शामिल करने का एक बड़ा फैसला किया। अब दूसरे खिलाड़ी की ओर चलते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे खिलाड़ी की, जो के होंगे झारखंड के कुमार कुशाग्र, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ और 20 लाख की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। अब अगर डीसी की बात करें तो पिछले साल ऋषभ पंत सड़क हादसे की वजह से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं हो पाए थे, और पूरे सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक विकेट कीपर की तलाश में रही, क्योंकि उनकी जगह अभिषेक पोरल, फिल सॉल्ट और सरफराज खान में से कोई भी खिलाड़ी विकेट कीपर की भूमिका को नहीं निभा पाया। ऐसे में इस साल दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत की वापसी से एक बड़ा बूस्टर मिला, क्योंकि उम्मीद है कि इस साल ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए वापसी जरूर करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है कि क्या ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने के लिए फिट हो पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत की जगह लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश थी, जो कि दिल्ली कैपिटल्स में लोअर ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी कर सके, और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने कई विकेट कीपर्स जैसे कि कुमार कुशाग्र, रिकी भुई, ट्रिस्टन स्टब्स और शाई होप जैसे बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन इसमें एक खास खिलाड़ी थे कुमार कुशाग्र, जिनको लेकर सौरभ गांगुली ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर कुमार कुशाग्र को खरीदने के लिए हमें 10 करोड़ भी खर्चने पड़ते तो हम जरूर खर्च दे, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स एमएस धोनी से मैच करती है। इसके अलावा कुमार कुशाग्र की बात करें तो लोअर ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने वाला यह खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के अकॉर्डिंग एक आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो कि ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद चलते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी की ओर, जो कि होंगे विदर्भ के शुभम दुबे। अब शुभम दुबे की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जिसने पिछले साल अपने फैंस को निराश किया और ये टीम प्लेऑफ तक का सफर भी तय नहीं कर पाई। अगर पिछले साल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने लोअर मिडल ऑर्डर में रियान पराग पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जताया, लेकिन रियान पराग अपनी टीम के फैसले पर खरे नहीं उतर पाए और पूरे सीजन में रियान पराग पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में इस साल राजस्थान रॉयल्स को भी एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो कि लोअर मिडल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सके, टाइम आने पर पार्टनरशिप भी बना सके और ऊपरी बल्लेबाजों के साथ कुछ देर क्रीज पर खड़े रहकर बल्लेबाजी भी कर सके। ऐसे में यहां पर भरोसा जताया राजस्थान रॉयल्स ने विदर्भ के शुभम दुबे में, जिन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। शुभम दुबे की बात करें तो विदर्भ के लिए खेलते हुए शुभम दुबे भी लोअर ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, पार्टनरशिप्स भी बना सकते हैं और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के साथ जरूरत पड़ने पर पेशेंस के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने शुभम दुबे को 5 करोड़ और 80 लाख की एक बड़ी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि टीम अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं जता पा रही है रियान पराग पर। इसलिए अब उम्मीद है कि शुभम दुबे रियान पराग की जगह आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इस लिस्ट के अगर अगले खिलाड़ी की बात करें तो वहां पर नाम आता है महाराष्ट्र के अर्शिन कुलकर्णी पर। अब अगर सबसे पहले बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिन्होंने अर्शिन कुलकर्णी को उनके बेस प्राइस यानी कि 20 लाख रुपए की रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन अर्शिन कुलकर्णी पिछले कुछ समय से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब अर्शिन कुलकर्णी की बात करें तो इस टाइम वो टीम इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी खास बात यह है कि वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के साथ साथ मध्यम गति से गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे ही गेंदबाज हुआ करते थे, जो पहले काफी कम गेंदबाजी करते थे लेकिन
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर काम किया और आज की डेट में वो टीम इंडिया के नंबर वन ऑलराउंडर बन चुके हैं। अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पिछले साल जहां LSG के लिए दीपक हुडा और आयुष बडोनी दोनों ही खिलाड़ी पूरी तरह से टीम की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाए और टीम को हमेशा एक ऐसे इंडियन ऑलराउंडर की तलाश रही जो कि टीम के लिए रेगुलरली खेल सके, और इस साल टीम ने भरोसा जताया अर्शिन कुलकर्णी पर जो कि इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरह से खुद को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि अगर अर्शिन कुलकर्णी को LSG के लिए खेलने के लिए लगातार मौके मिलते हैं तो वो ना सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बल्कि आने वाले समय में इंडियन टीम के लिए एक रेगुलर मेंबर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर बात करें इस लिस्ट के आखिरी खिलाड़ी की तो वो होंगे रॉबिन मिंस, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ और 60 लाख की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। अब अगर सबसे पहले गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से गुजरात टाइटंस के लिए विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं रिद्धिमान साहा, जो कि शुभमन गिल के साथ बेहतरीन तरीके से ओपनिंग की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। लेकिन आखिर सवाल तो वही है कि कब तक। रिद्धिमान साहा की उम्र को देखते हुए गुजरात टाइटंस को एक रिलायबल विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए था जो कि फ्यूचर में इस टीम के लिए लंबे समय तक बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ सके, और टीम ने भरोसा जताया रॉबिन मिंस पर जो कि अब IPL में पहले आदिवासी खिलाड़ी भी बन चुके हैं जिन्हें IPL के लिए चुना जा चुका है। अब रॉबिन मिंस की भी कहानी बड़ी खास है क्योंकि उनके पिता ने ऑक्शन खत्म होने के बाद ये कहानी बताई कि एक टाइम पर MS धोनी उन्हें एयरपोर्ट पर मिले थे और MS धोनी ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर कोई भी टीम रॉबिन मिंस को ऑक्शन में नहीं खरीदती है तो CSK जरूर खरीदेगी। और ऑक्शन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब CSK और गुजरात टाइटंस के बीच एक बिडिंग वॉर देखने को मिली रॉबिन मिंस को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन इवेंचुअली 3 करोड़ और 60 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने इस बिडिंग वॉर को जीता और रॉबिन मिंस को अपनी टीम में शामिल किया। अब रॉबिन मिंस की बात करें तो उनकी भी रेप्यूटेशन कुछ ऐसी ही है कि वो लोअर ऑर्डर में आकर पावरफुल हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, और गुजरात टाइटंस को डेविड मिलर और राहुल तेवतिया को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब एक ऐसा ही खिलाड़ी मिल चुका है जो फ्यूचर में गुजरात टाइटंस के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आ सकता है। तो हमारे हिसाब से ये 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि आने वाले सीजन यानी कि IPL 2024 में अपनी अपनी टीमों के लिए डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्या आप इन 5 नामों से सहमत हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई और भी एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो कि इंडियन अनकैप्ड प्लेयर है और IPL 2024 में डेब्यू करता हुआ नजर आ सकता है, तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।